हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। आज हम बनाएंगे मेथी, पालक, है ना, हरी मिर्ची, आलू, मटर, गाजर, जितनी भी सीजनल हमारी सब्जियां हैं उनसे हम आज की रेसिपी बनाएंगे। और जो पालक की डंडियां होती हैं, मेथी की डंडियां होती हैं, वो भी हमें फेंकने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसके लिए मैंने पालक, मेथी, है ना, ये मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और एक ही आलू लिया है, तो आलू को मैंने चॉप कर लिया है। और आलू, मेथी, पालक और हरी मिर्ची, है ना, और दो प्याज लेंगे हम इसके लिए। ये देखिए, और प्याज को, है ना, चॉपिंग भी करेंगे हम और स्लाइस भी करेंगे, माने कि हम, है ना, दोनों स्टाइल में, है ना, प्याज को डालेंगे ना, चॉपिंग का डिफरेंट तरीका रहेगा। ये देखिए, है ना, इसको छील लें पहले अच्छे से। और दो प्याज का हम यूज करेंगे। ना, एक डेढ़ भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं और तीन भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इसमें हरी प्याज का भी यूज कर सकते हैं। अब ये मटर है 1 कप, इसको हम कूटेंगे। ये देखिए, इसको प्रेस कर लें कैसे भी, या इसको क्रश कर लें, बेलन से कर लें, या फिर, है ना, खलबट्टे से कर लें। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसको प्रेस करना है। अगर हम, है ना, इसमें प्रेस करके नहीं डालेंगे ना, तो वो बाहर आ जाएंगे निकल निकल के, जो भी हम रेसिपी बना रहे हैं ना। तो थोड़ा सा मैश करना है इसको, और इसको साइड में रख लीजिए। अब हम प्याज काटेंगे। ये देखिए, ये मैं चॉपिंग कर रही हूँ, हम चॉपिंग भी डालेंगे और स्लाइस भी डालेंगे। आप इसको चॉप कर लीजिए। और इसको, है ना, लच्छे वाली प्याज काटते हैं ना, वैसे भी डालेंगे। ये देखिए, ऐसे गोल लच्छे होते हैं ना, ऐसे भी डाल, तो इससे क्या रहता है ना, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है कुकिंग में, और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही टेस्टी है। और, है ना, टेस्ट में तो इसके क्या कहने, एक बार आप बनाएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। ये देखिए, हमारी प्याज, मटर और हरी मिर्च, हरी मिर्च हम लेंगे, है ना, एक दो को तो हम, है ना, बारीक कट करेंगे, बीच में चीरा लगा के करना है, और रफली चॉप करेंगे, छोटी बड़ी, और स्लेट भी करेंगे। ये देखिए, है ना, 2 पीस करके भी इसको, है ना, हम डालेंगे, यानी कि हम जो बना रहे हैं खाने में, जिनको तीखा पसंद है वो ऐसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको निकाल के रख सकते हैं। तो मेरी मेथी, पालक, है ना, बथुआ है तो आप बथुआ भी यूज कर सकते हैं, और धनिया। वो धनिया, मेथी, पालक मेरे तीनों रेडी हो गए हैं, सीजनल सब्जियां। आजकल सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, है ना, तो उनका ही हम यूज करेंगे। और, है ना, अब हम बेसन लेंगे। ये देखिए, और इसको, है ना, माड़ेंगे, इसको थिक माड़ेंगे, बस उसका बात का ध्यान रखना है। इसको अच्छे से, है ना, घोल लीजिए, थिक मारना है, ये गीला ना हो, है ना, ये देखिए, थिक मारना है। और बहुत ही, आधे कप से भी कम पानी लगेगा इसमें, 1 चमचा पानी लगेगा, जिससे हम दाल परसते हैं ना, बहुत ही कम पानी में ये इसको, है ना, लगाना है। 1 चमचा पानी, जिससे हम दाल परसते हैं ना, बस उतना पानी में ये मड़के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बस 1 चमचा पानी डालिए आप, क्योंकि बेसन में पानी बहुत कम लगता है, और हमको, है ना, गाढ़ा घोल चाहिए। ये देखिए, इतना थिक घोल चाहिए हमें, पतला होगा ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और बेसन डालना पड़ेगा आपको, है ना, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये, है ना, 4 मेंबर के लिए बन रहा है, 4 मेंबर इसको आराम से खा सकते हैं 1 कटोरी बेसन में। ये देखिए, है ना, अब हम, मैंने स्टार्ट करेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, इनके लच्छे खोल लें, प्याज के जो लच्छे होते हैं ना, इसको ऐसे खोल लें। ये देखिए, और रिंग भी डाल सकते हैं आप, तोड़े नहीं, रिंग ही रहने दें।
और हम मटर डालेंगे, कुटे हुए मटर, हरे मटर। फ्रोजन है तो फ्रोजन ले सकते हैं, लेकिन आजकल का सीजन बहुत अच्छा आ रहा है, हरी मटर आ रही है। और स्लिट की हुई हरी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए मैंने 6-7 डाली है, मैं और डाल रही हूँ, कम लग रही है। ये देखिए तो ना इसमें 8-10 हरी मिर्च तो लग जाएंगी आराम से। ये देखिए है ना सारी, दोनों प्याज, मेथी, पालक और हरी धनिया, और हरी प्याज भी इसमें डालते हैं, है ना। मेरे पास थोड़ी है हरी प्याज, उसमें है ना खूब बंच भर के डाल सकते हैं आप, इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। अगर है ना हरी प्याज का यूज कर रहे हैं तो मिर्ची कम कर दीजिए। ये सारी मैंने ना, इतनी सारी भाजी है ना मेरी डल की रेडी हो गई है। और आपने देखा ना बेसन कितना है, बेसन है ना वेजिटेबल के मुताबिक बहुत कम है। ये देखिए अब हम नमक डालेंगे और मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़े ही डालेंगे हम कलर के लिए बस। और ये तीखा वाला मिर्ची है, और धनिया डालेंगे थोड़े से, धनिया पाउडर। नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने और डाला है। अब हम हींग डालेंगे, हींग इसमें थोड़ी ज्यादा डालेंगे। ये देखिए और अब हम अजवाइन के दाने डालेंगे। ये देखिए अजवाइन हाथ से रगड़ के डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, है ना। मैं खड़ी मिर्ची भी डाल रही हूँ, और ये आलू के पीस हैं छोटे छोटे, आप कैसे भी कट कर लीजिए, है ना, ऐसे बारीक बारीक, है ना, फिंगर चिप्स में भी कर लीजिए, और स्लिट कर लीजिए, चॉपिंग कर लीजिए, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए, लेकिन एक ही आलू रहेगा। और इसको है ना, इसको हाथ से मैश कर लीजिए और मिला लीजिए। ये देखिए बहुत धीरे धीरे मिलाना है, क्योंकि पालक में, धनिया, मेथी में, है ना, मेथी, धनिया, पालक में ऑलरेडी पानी बहुत होता है। ये देखिए तो ऐसा है ना थिक पेस्ट हो जाएगा, और अभी हमने नमक भी डाला है तो ये बराबर हो जाएगा। अभी थिक लग रहा है, जब हम इसको मिलाएंगे तो ये बराबर कंसिस्टेंसी हमारी हो जाएगी। होना शुरू हो गई है। ये देखिए मैंने वीडियो कट नहीं किया है, मैं लगातार दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए अगर मान लीजिए आप इन गाढ़ा बेसन नहीं मारते हैं तो इसमें सूखा पाउडर, बेसन का सूखा बेसन मिलाना पड़ेगा आपको, फिर आप बना सकते हैं। ये देखिए जब तक मैं है ना कढ़ाई रख दी है, और हम तेल है ना बहुत थोड़ा डालेंगे, और इसको रेस्ट की जरूरत नहीं है, और इसको है ना फ्रिक्वेंटली बनाना है, इसको तुरंत ही बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे खाने का सोडा, मीठा सोडा होता है ना जो जनरली खाते हैं हम, 2 चुटकी से ज्यादा नहीं डालना है, 2 या 3 चुटकी बस, है ना, हाथों में जैसे चुटकी आती है ना बस उतना बहुत, थोड़ा बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं, सोडा। अब इसको मिला लेंगे हम, और हमने कढ़ाई रख दी है, ये प्रोसेस है ना तुरंत करना है। ये देखिए है ना हमने पानी नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया, वेजिटेबल का जो पानी है उसी से गीला हो गया हमारा मटेरियल। ये देखिए और अब हम हाथों में थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और उसे अरेंज करेंगे, आपको जो भी शेप चाहिए, गोल चाहिए गोल, और है ना जैसे भी चाहिए वैसे। ये देखिए और इसको है ना ऑयल में डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रही हूँ ना हाथ से, चारों उंगलियों पे रख के दही बड़े की तरह डालना है इसमें, फैला के। दही बड़े चौड़े दही बड़े भी बनते हैं और गोल भी बनते हैं। ये देखिए और इसको है ना गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई कर लीजिए, ऑयल बहुत थोड़ा डाला है मैंने। ये देखिए इसको पलट दीजिए, इसमें है ना मिर्ची भी आई है खड़ी वाली, जैसे इसमें एक मिर्ची मैंने डाली है ना, तो आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं 10-12। और हमारी है ना आलू की पकौड़ी, आलू की भजिए बन के तैयार हैं जी। हम इसको है ना पालक की पकौड़ी बोलते हैं, है ना, पालक की पकौड़ी, ऐसा हमारे यहाँ ऐसे ही बनाते हैं हमारे घराने में, ये हमारी पारिवारिक डिश है ये, हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं, बड़ा परिवार है, उन परिवार में ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए
ये देखिए है ना, जो सीजनल सर विंटर स्पेशल सब्जियां आ रही हैं उसमें है ना, उसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये देखिए। और इसको है ना टर्न करके सेक लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। ये इतनी क्रिस्पी रहते हैं। ऑयल देखिए मैंने बहुत थोड़ा डाला है और इसमें ऑयल नहीं भरता है। ये देखिए ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं भरता है। इसको टिश्यू पेपर पे भी रखने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो एकदम से मॉइस्ट निकलेगा, इसमें ऑयल नहीं निकलेगा। ये देखिए इसको टेढ़ा करके निकाल लीजिए। जब भी आप निकाल लें तो फ्लेम हाई कर दें। ये देखिए आप टिश्यू पेपर पर भी रखने की इसको जरूरत नहीं है। 1 या 2 ड्रॉप ऑयल निकलेगा। और अगर कोई आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसको टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, नो इश्यू। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और आप इनका टेक्सचर देख रहे हैं। वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, वो क्विक एंड इजी बन जाती है। फटाफट से चॉपिंग करिए और बन जाती है। ये देखिए देखने में ही कितने यमी लग रहे हैं। हेल्दी तो फिर है ही है, आपने देखा ही है कि मैंने कौन सा मटेरियल यूज किया है। ये देखिए अब हम दूसरा बैच भी डालेंगे। ऑयल देखिए आप, मेरा 100 ग्राम ऑयल है। ये देखिए अब हम है ना हाथ से अरेंज करेंगे, जैसे हमने पहले अरेंज किया था वैसे ही अरेंज करेंगे और डालेंगे। हाथ से शेप देना है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। 4 उंगलियों पर रख के शेप देते हैं इसको। आप बड़े आलू भी डाल सकते हैं, जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है ना। इसमें इंग्रेडिएंट्स मेरे थोड़े से बदल गए हैं। ये देखिए और इसको सेक लीजिए, फ्राई कर लीजिए गोल्डन होने तक। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, देखने से ही आपको पता लग रहा है। इसमें ऑयल ए बिल्कुल भी ऑयल नहीं उतरता है। ये देखिए और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बल्कि भले ही हमने इसको फ्राई किया है लेकिन ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको रोटी से, ब्रेड से, कैसे भी है ना इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसको चिपक जाते हैं जब हम कम तेल डालते हैं, तो ये चिपक जाते हैं। तो इनको खोल लीजिए ऐसे बीच में है ना, जुड़ जाते हैं ना, क्योंकि हमारी लच्छे प्याज हैं, लच्छे मेथी पालक लच्छेदार है ना, तो वो एक दूसरे से लच्छा जाके चिपक जाता है। ये देखिए इसको खोलना पड़ता है बीच बीच में, आप इसको सेपरेट कर दीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी यूनिक रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और शाम के इवनिंग स्नैक्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए आप देख रहे हैं ना कितना यम्मी टेक्सचर लग रहा है। ये देखिए और हमारी ये पालक की पकौड़ी बनके रेडी हो गई है ना। नाम इसका पालक की पकौड़ी है लेकिन हमारे यहाँ वैसा बोलते हैं, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स आपने देखे ना कितने सारे डाले हैं मैंने। ये देखिए और आप ऐड कर सकते हैं इसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वो फ्लेवर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता है हाथों में और हमारी कढ़ाई में अभी उतना तेल बचा हुआ है। ये देखिए देखिए मेरे हाथ देख रहे हैं आप, साफ लग रहे हैं, तेल नहीं आ रहा है। और बहुत ही करारे हैं, एकदम से खस्ता है, साउंड आता है और बहुत ही खस्ता है ये। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। सारे पकौड़े बनके हमारे रेडी हो गए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर।